नमस्कार, मैं हूं शशि। आइए झारखंड के टॉप 25 प्रमुख खबर जानते हैं। राष्ट्रपति भवन से झामुमो को समय नहीं मिलना चिंता का विषय। मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने कहा है कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि झारखंड की माटी से जुड़े स्थानीय नीति, सरना धर्म कोड, ओबीसी आरक्षण आदि के मुद्दे पर राष्ट्रपति से मिलने की अनुमति नहीं मिल पाई। उन्होंने मंगलवार को कैबिनेट की बैठक के बाद पत्रकारों के सवालों के जवाब दिए। सीएम ने कहा है कि समय नहीं मिलना चिंता का बड़ा विषय बन गया है, लेकिन हम इस बात को रखने के लिए प्रयास करते रहेंगे, समय मांगते रहेंगे। उन्होंने कहा है कि एक और राजभवन लोकतांत्रिक तरीके से चुनी गई सरकार द्वारा पास किए गए विधेयक को रोक देता है और दूसरी ओर कम से कम जनहित के मुद्दों पर ऐसा नहीं होना चाहिए था, लेकिन झारखंड को एटीएम समझने वालों भाजपा नेताओं ने ना कभी यहाँ के आदिवासियों, मूलवासियों एवं आम लोगों को अपना समझा है, ना ही यहाँ के मुद्दों के प्रति उनमें थोड़ी सी भी गंभीरता है। CAA से जुड़े सवाल पर मुख्यमंत्री ने कहा है कि राष्ट्रपति ने इसे 2019 में मंजूरी दे दी थी, यह नया नहीं पुराना फैसला है, चुनाव को देखकर इसे अभी लागू किया जा रहा है। केंद्र के पास ऐसा कोई काम नहीं है जिसे जनता को बताए। उन्होंने विधायक अंबा प्रसाद के यहाँ ईडी की छापेमारी से जुड़े सवाल पर कहा है कि इस पर अभी कुछ नहीं कहेंगे। आदिवासी मूलवासी खतियान नीति की विरोधी है हेमंत सरकार पार्ट टू। भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता प्रतुल सहदेव ने झारखंड मुक्ति मोर्चा पर पलटवार करते हुए कहा है कि झामुमो सिर्फ चुनाव के समय आदिवासी मूलवासी एससी एसटी और पिछड़ा वर्ग के लिए घड़ियाली आंसू बहाता है। अगर झामुमो पिछड़ों के आरक्षण के लिए गंभीर था तो उसने पंचायत चुनाव बिना पिछड़ों के आरक्षण के क्यों करवा लिया। नगर निकाय चुनाव भी बिना पिछड़ों को आरक्षण दिए करने की तैयारी थी, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के बाद ये रुका। उन्होंने कहा है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा ने 4.25 वर्षों के बाद भी पिछड़ों की आरक्षण सीमा को बढ़ाने के लिए ट्रिपल टेस्ट की शुरुआत तक नहीं की, यही इनकी असलियत को दर्शाता है। ये सरकार 4.25 वर्षों से शासन कर रही है, लेकिन 1932 उनके लिए एक चुनावी झुंझुना से ज़्यादा कुछ नहीं रहा है। झारखंड में बंद उद्योग को खोलेगी सरकार। भोक्ता श्रम नियोजन प्रशिक्षण कौशल विकास विभाग के मंत्री सत्यानंद भोक्ता ने कहा है कि जून में 20,000 युवाओं को रोजगार से जोड़ा जाएगा। इसके लिए विभाग की ओर से तैयारी की जा रही है। बंद उद्योग फिर से शुरू किए जाएंगे। मंत्री मंगलवार को होटल रेडसिन ब्लू में प्रवासन सहायता केंद्र के उद्घाटन समारोह में बोल रहे थे। उन्होंने कहा है कि सुदूर गाँव और क्षेत्र में रहने वाले सभी युवाओं के लिए परिस्थितियाँ ऐसी नहीं होती है कि वे जिला मुख्यालय आकर प्रशिक्षण प्राप्त करें, इसलिए राज्य के सभी 264 प्रखंडों में प्रशिक्षण केंद्र के माध्यम से युवाओं को प्रशिक्षण और रोजगार से जोड़ना हमारा लक्ष्य है। गिरिडीह में कोयला बालू ढोने वालों से वसूली, 3 पुलिसकर्मी सस्पेंड। कोयला और बालू ढोने वालों से वसूली करने के मामले में गश्ती दल के 3 पुलिसकर्मियों को गिरिडीह के SP दीपक कुमार शर्मा ने निलंबित कर दिया है, जबकि 2 थाना प्रभारियों को लापरवाही बरतने के आरोप में स्पष्टीकरण शो का जारी किया गया है। बता दें कि गिरिडीह के SP को पिछले दिनों जानकारी मिली कि गिरिडीह नगर थाना क्षेत्र, पचम्बा थाना क्षेत्र और मुफसिल थाना क्षेत्र में लगाए गए गश्ती दल वालों में से कई वसूली करने में व्यस्त हैं। सूचना मिली थी कि गिरिडीह की उसरी नदी से बालू की अवैध ढुलाई करने वालों से वसूली हो रही है। वहीं CCL क्षेत्र से साइकिल और बाइक व कोयला ढोने वालों से भी अक्सर वसूली की जाती है। इसी शिकायत पर SP ने DSP मुख्यालय कौशर अली को औचक निरीक्षण करने का निर्देश दिया था। जमशेदपुर में 19 मार्च से नेशनल पैरा बैडमिंटन चैंपियनशिप। टाटा स्टील और झारखंड बैडमिंटन एसोसिएशन के संयुक्त मेजबानी में 6ठी नेशनल पैरा बैडमिंटन चैंपियनशिप का आयोजन 19 से 23 मार्च तक जमशेदपुर के मोहन आहूजा स्टेडियम में किया जाएगा। प्रतियोगिता में पैरालंपियन, विश्व चैंपियन और एशियन पैरा गेम्स के पदक विजेता समेत लगभग 15 ख्याति प्राप्त पैरा शटलर शिरकत करेंगे। इसमें टोक्यो पैरालंपिक के स्वर्ण पदक विजेता उड़ीसा के प्रमोद भगत और राजस्थान के कृष्णा नगर आकर्षण का केंद्र होंगे। टोक्यो पैरालंपिक में रजत पदक जीतने वाले सुहास एल यतिराज के भी भाग लेने की संभावना है। मधु कोड़ा बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व के बुलाए पर गए दिल्ली। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा मंगलवार को बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व से मिलने दिल्ली गए। रांची हवाई अड्डे से उन्होंने दोपहर बाद दिल्ली के लिए उड़ान भरी। चाईबासा में बीजेपी के प्रदेश प्रभारी सह राष्ट्रीय उपाध्यक्ष लक्ष्मीकांत वाजपेयी का दौरा छोड़कर वे अकेले ही विशेष बुलाए पर दिल्ली गए हैं। उनके साथ उनकी पत्नी व सिंहभूम से सांसद गीता कोड़ा उनके साथ दिल्ली नहीं गई।
बताया जा रहा है कि झारखंड बीजेपी प्रभारी के कार्यक्रम की वजह से गीता कोड़ा दिल्ली नहीं गई, वे चाईबासा, झिकपानी और जगन्नाथपुर में लक्ष्मीकांत वाजपेयी के कार्यक्रम में शामिल हुई। झारखंड कैबिनेट की बैठक में 30 प्रस्तावों पर मुहर। सीएम चंपई सोरेन की अध्यक्षता में मंगलवार को झारखंड कैबिनेट की बैठक प्रोजेक्ट भवन में हुई। इसमें 30 प्रस्तावों पर कैबिनेट ने मुहर लगाई है। मंत्रिमंडल समन्वय सचिव वंदना डाडेल ने बताया कि मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के तहत राज्य के 11 नए तीर्थ स्थलों को जोड़ने की मंजूरी दी गई। इसमें राज्य के बाहर के 20 तीर्थ स्थानों को जोड़ा गया है। कैबिनेट ने एक प्रस्ताव को मंजूरी दी है। इसके तहत पंचायत स्वयंसेवकों को अब पंचायत सहायक कहा जाएगा। कैबिनेट ने राज्य के चयनित प्राथमिक स्कूलों में जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषाओं के लिए घंटी आधारित शिक्षकों की नियुक्ति का फैसला लिया है। वहीं राज्य में प्राथमिक विद्यालयों की संख्या 21,189 है। कैबिनेट की बैठक के बाद पत्रकारों से बातचीत में झारखंड के सीएम चंपई सोरेन ने कहा है कि वे 1932 का खतियान व सरना धर्म कोड व आदिवासी मूलवासी के मुद्दे झारखंड के लिए अहम है। पंचायत सहायकों को हर माह 2500 मिलेगा प्रोत्साहन भत्ता। मंत्रिमंडल समन्वय सचिव वंदना डाली ने बताया है कि कैबिनेट ने पंचायत सचिवालय के गठन की प्रक्रिया के लिए पूर्व में जारी किए गए संकल्प में संशोधन का निर्णय लिया है। इसके तहत पंचायत सचिवालय के सदस्यों को मासिक नियत मानदेय की जगह कार्य के विरुद्ध प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाएगी। राशि का निर्धारण कार्य करने वाले विभाग करेगा। पंचायत में पूर्व से कार्यरत पंचायत स्वयंसेवकों से प्रस्तावित हेल्प डेस्क के पंचायत सहायक के रूप में काम लिया जाएगा। इस कार्य के विरुद्ध उनको प्रोत्साहन राशि के रूप में 2500 रुपये प्रतिमाह भुगतान किया जाएगा। बता दें, राज्य के कुल 4345 ग्राम पंचायतों में कार्यरत 17,380 पंचायत सहायकों को मासिक प्रोत्साहन राशि के रूप में 4.34 करोड़ रुपये प्रतिमाह किया जाएगा। इससे राज्य सरकार के कोष पर प्रतिवर्ष 52.14 करोड़ रुपये का भार पड़ेगा। रांची बनारस वंदे भारत से सफर हुआ आसान। रांची बनारस वंदे भारत एक्सप्रेस व वन स्टेशन वन प्रोडक्ट स्टॉल के उद्घाटन को लेकर बोकारो रेलवे स्टेशन में मंगलवार को भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। उद्घाटन कार्यक्रम को लेकर बोकारो रेलवे स्टेशन को सजाया गया था। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि बोकारो विधायक बिरंची नारायण मौजूद थे। बोकारो विधायक ने कहा है कि वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन चलने से बोकारो से बनारस जाने में कम समय लगेगा। मोदी सरकार ने जो वादा किया था वह अब पूरा किया। वंदे भारत एक्सप्रेस रांची से बोकारो मात्र 2 घंटे में पहुंचाएगी। बोकारो से कोडरमा 1.5 घंटे में सफर तय कर सकेंगे। इस ट्रेन के परिचालन से बोकारो वासियों को बहुत लाभ मिलेगा। राज्यपाल ने सीएए पर दिया बड़ा बयान। झारखंड के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने केंद्र सरकार द्वारा देश में लागू सीएए पर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि भारत अनाथों का देश नहीं है कि जो कोई भी आए और यहां बस जाए। उन्होंने आगे कहा है कि जब कोई भी कानून आता है तो सवाल तो उठते हैं, लेकिन इन सब से अलग हमें इनके पीछे का मकसद को भी समझना होगा। उन्होंने ये बातें मंगलवार को उस वक्त पत्रकारों से बातचीत में कही जब वे रांची बनारस वंदे भारत ट्रेन के उद्घाटन समारोह से वापस लौट रहे थे। बता दें, केंद्र की मोदी सरकार ने सोमवार को नागरिकता संशोधन अधिनियम की सूचना जारी कर दी है। इसके बाद मंगलवार को जब झारखंड के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने पत्रकारों के सीएए पर सवाल पूछा तो उन्होंने कहा है कि भारत अनाथों का देश नहीं है, कोई भी आए और यहाँ बस जाए। हालांकि उनसे जब इसे लागू करने के समय पर सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा है कि जब कोई भी कानून आता है तो सवाल तो उठते ही हैं, लेकिन इन सब से अलग हमें इसके पीछे का मकसद को भी समझना होगा। कांग्रेस विधायक अंबा प्रसाद के 17 ठिकानों पर ईडी की रेड। हजारीबाग के बड़कागांव विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस की विधायक अंबा प्रसाद के रांची और हजारीबाग के विभिन्न ठिकानों पर ईडी ने छापेमारी की है। ईडी की टीम ने बड़कागांव विधायक, उनके पिता व पूर्व मंत्री योगेंद्र साहू के अलावा शशि भूषण सिंह समेत कुल 17 लोगों के ठिकानों पर छापेमारी की है। बताया जाता है कि ये कार्रवाई कथित रूप से अवैध बालू खनन और वसूली के मामले में प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट को आधार मानते हुए की गई है। सूचना के मुताबिक ये सभी लोग विधायक अंबा प्रसाद के रिश्तेदार व करीबी बताए जाते हैं। छापेमारी के दौरान बड़ी संख्या में सीआरपीएफ के जवान भी मौजूद थे। करोड़ों की लागत से बनेगी 4 लेन रोड। राज्य मंत्री परिषद की बैठक में डीएवी पुतांग से डीएवी हेहल तक 4 लेन सड़क की मंजूरी दी गई है। इसके तहत पथ प्रमंडल रांची के अंतर्गत डीएवी पुतांग से डीएवी हेहल का 4 लेन पथ निर्माण कार्य 102.69 करोड़ रुपए की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गई। वहीं राज्य सरकार ने अपने 8 नए पॉलिटेक्निक संस्थानों के संचालन की जिम्मेदारी प्रज्ञा फाउंडेशन को देने का निर्णय लिया है। इनमें खूंटी, चतरा, लोहरदगा, हजारीबाग, जामतरा, गोड्डा और बगोदर एवं पलामू स्थित पॉलिटेक्निक संस्थान शामिल हैं।
होली से पहले राज्य कर्मियों को बड़ा तोहफा। राज्य कर्मियों के लिए खुशखबरी है, राज्य सरकार ने उनके महंगाई भत्ता में 4% की वृद्धि की है। इससे अब उन्हें 50% महंगाई भत्ता मिलेगा। इसका लाभ पेंशन भोगियों को भी मिलेगा। वर्तमान में उन्हें 46% महंगाई भत्ता मिलता था। मंगलवार को हुई राज्य मंत्री परिषद ने महंगाई भत्ता बढ़ाने सहित कुल 30 प्रस्तावों पर अपनी स्वीकृति प्रदान कर दी है। बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता का लाभ जनवरी 2024 से मिलेगा। राज्य मंत्री परिषद की बैठक में राज्य कर्मियों को मिलने वाले परिवहन भत्ता में भी संशोधन किया गया है। रांची के पहाड़ी मंदिर का बदलेगा लुक। रांची के पहाड़ी मंदिर का कायाकल्प किया जाएगा। मंदिर को पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित करने और लोगों के लिए सुविधाएं बढ़ाने के प्रयास तेज किए जा रहे हैं। पहाड़ी मंदिर परिषद में जल्द रोपवे, पहाड़ी बाबा कॉरिडोर, परिक्रमा पथ बनाने की योजना तैयार की जा रही है। इसके लिए फिजिबिलिटी स्टडी कार्यक्रम शुरू होने जा रहा है। वहीं जियोलॉजिकल सर्वे टीम इसका अध्ययन करेगी। यह कार्य केंद्रीय एजेंसी राइट को सौंपा गया है। SDO उत्कर्ष कुमार की अध्यक्षता में पहाड़ी मंदिर विकास समिति के पदधारकों और झारखंड पर्यटन विकास निगम लिमिटेड के GM राजीव कुमार ने बैठक की है। ध्वनि प्रदूषण की शिकायत के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी करे सरकार। झारखंड हाईकोर्ट ने रांची शहर में बढ़ते हुए ध्वनि प्रदूषण पर नियंत्रण को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की है। जस्टिस रंगन मुखोपाध्याय व जस्टिस दीपक रोशन की खंडपीठ ने प्रार्थी व राज्य सरकार का पक्ष सुना है। मामले में सुनवाई के बाद खंडपीठ ने राज्य सरकार को निर्देश दिया है कि 24 घंटे काम करने वाला हेल्पलाइन नंबर जारी करे ताकि ध्वनि प्रदूषण से परेशान कोई भी व्यक्ति अपनी शिकायत दर्ज करा सके। विशेष रूप से रात्रि 10:30 के बाद लोग हेल्पलाइन नंबर पर अपनी शिकायत कर सके तथा ध्वनि प्रदूषण से मुक्ति पा सके। रांची में बिना लाइसेंस के 2500 मटन चिकन की दुकान। राजधानी रांची में नियम कानून को ताक पर रखकर 2500 से अधिक मटन व चिकन दुकानों का संचालन किया जा रहा है। इन दुकानों में न तो नगर निगम की गाइडलाइन का पालन किया जाता है और न ही इन्हीं दुकान चलाने के लिए नगर निगम से किसी प्रकार का लाइसेंस प्राप्त है। चौक चौराहों व नालों के किनारे खुले में इसका संचालन हो रहा है। वहीं नगर निगम के अधिकारी भी कार्रवाई नहीं करते। अब झारखंड हाईकोर्ट के आदेश के बाद ऐसी दुकान पर लगाम लगने की उम्मीद जगी है। बता दें, मांस मछली दुकानों के लिए नगर निगम ने पूर्व में गाइडलाइन जारी की थी। इसके तहत खुले में पशु काटकर टांगने पर रोक लगाई गई थी। इसके लिए सभी दुकानों के बाहर काला शीशा लगाने का निर्देश दिया गया था। गढ़वा के जंगलों की जड़ी बूटियों से ग्रामीणों को फायदा। झारखंड के गढ़वा जिला अंतर्गत अधिसंख्य वनों में जड़ी बूटियों का खजाना छुपा हुआ है। यह जड़ी बूटी न सिर्फ गांव कस्बों में लोगों के इलाज में मददगार है बल्कि यह लोगों के लिए आमदनी का भी अच्छा जरिया है। गढ़वा के जंगलों में ऐसी दुर्लभ जड़ी बूटियाँ पाई जाती है जिसमें हर तरह के रोगों से लड़ने की प्रतिरोधक क्षमता है। बताते, ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले बड़ी संख्या में लोग वनों से जड़ी बूटी एकत्रित कर बाजार में बेचते हैं। इससे अच्छी कमाई भी होती है। रंका प्रखंड के ग्रामीण क्षेत्र में ग्रामीण आबादी के लिए वनों में मिलने वाली जड़ी बूटी आजीविका का महत्वपूर्ण साधन है। जानकार संबंधित रोग में इसका इस्तेमाल भी करते हैं। वहीं ग्रामीण क्षेत्र की महिलाएँ स्थानीय बाजारों में उसे लेकर बेचती है। सतावर, आंवला, फुलधई, हर्रे बहेरा, रंगैनी, गुड़मार, बेलगुड़ी, नागर मोथा, आईठा, कुर्सा, वन तुलसी सहित अन्य कई जड़ी बूटियां हैं जो स्थानीय वनों में मिलते हैं। ग्रामीणों से अस्थाई व्यवसायी इसे थोक में खरीदते हैं। पलामू में वाहन चेकिंग के दौरान कांस्टेबल की पिटाई। हुसैनाबाद थाना अंतर्गत दंगवार ओपी में पदस्थापित कांस्टेबल कयामुद्दीन अंसारी ने हुसैनाबाद थाना को लिखित आवेदन सिद्धनाथ नगर निवासी छोटू सिंह समेत अज्ञात 10 लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई है। उन्होंने थाना को दिए आवेदन में कहा है कि आरक्षी अधीक्षक के निर्देश के आलोक में ओपी प्रभारी संजय कुमार यादव ने अपराध नियंत्रण को लेकर वाहन जांच का निर्देश दिया था। वाहनों की जांच के दौरान टाटा की नेक्सान कार को हाथ दिया गया। कार रुकी तो देखा कि गाड़ी को छोटू सिंह चला रहा था और बगल की सीट पर एक व्यक्ति बैठा था। जब चेक करने की बात कही गई तो बोला कि गाड़ी का डिक्की नहीं खुलेगा। बात करते ही वह कार लेकर भागने लगा। बाइक से नवाडी के रास्ते जपला तक पीछा करने पर भी वह नहीं मिला। आरक्षी पप्पू कुमार और क्यामुद्दीन अंसारी दंगवार ओपी लौट रहे थे। इसी दौरान आरक्षी पप्पू कुमार को छोटू सिंह व अन्य 10 लोगों ने घेर लिया। वन क्षेत्र पदाधिकारी की सेवा अवधि बढ़ी। झारखंड के वन क्षेत्र पदाधिकारी और सहायक वन संरक्षक की सेवा अवधि बढ़ा दी गई है। सेवानिवृत्ति के बाद एक एक साल का अधिकतम 3 बार सेवा विस्तार किया जा सकेगा।
उन्हें इस दौरान वेतन वृद्धि, एसीपी, एमएससीपी और प्रोन्नति का लाभ नहीं मिलेगा। वहीं पश्चिमी सिंहभूम के हॉट गम्हरिया व बंदगांव, पलामू के मेराल और पूर्वी सिंहभूम के पोटका में डिग्री कॉलेज खुलेंगे, इसके लिए राशि की मंजूरी दे दी गई है। वहीं 9वीं से 12वीं में पढ़ रहे छात्र छात्राओं की पाठ्य पुस्तकें की राशि में भी बढ़ोतरी कर दी गई है। किताबों के लिए अब 750 रुपये की जगह 902 रुपये मिलेंगे। धन्यवाद।